मैं अभी जा रहा हूँ कलवाही से जनकपुर धाम की यात्रा पर, और ये यात्रा मैं मोटरसाइकिल से करने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से मन में विचार था कि जनकपुर की यात्रा करी जाए। पुराने टाइम में तो लोग पैदल ही मधुबनी वाले, दरभंगा वाले जनकपुर तक की यात्रा करते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न युग है तो यात्राएं भी काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं। और मैं जा रहा हूँ कलवाही से जनकपुर धाम की यात्रा पर, और बीच में जो भी सुंदर दृश्य हैं जो कि मैं अपने फ़ोन से कैप्चर कर पा रहा हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और थोड़ी सी बात करेंगे जो जो भी हालात चल रहे हैं हमारे बिहार के पॉलिटिक्स में। देखिए कितने सुंदर गांव हैं, क्या बेहतरीन नज़ारा है हमारे इस मिथिलांचल के रीजन का। जनकपुर नेपाल में पड़ता है, और ये मेरी पहली इंटरनेशनल यात्रा है, पहली विदेश यात्रा है जो कि बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के होने वाली है। जनकपुर नेपाल जाने के लिए कोई भी वीज़ा, कोई भी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे मैत्री संबंध हैं नेपाल से, बेटी रोटी का रिश्ता माना जाता है, शादियां हमारी उस तरफ होती हैं बॉर्डर के उस पार। बहुत ही अच्छा एक मैत्रीपूर्ण संबंध हैं भारत और नेपाल के, खासकर मिथिलांचल का ये रीजन है। तो कुछ पार्ट तो मिथिलांचल का बॉर्डर के उस पार है, नेपाल में है, कुछ एक पार्ट यहाँ पे है, तो ये पूरा दोनों पार्ट को जोड़ के ये मिथिलांचल का एरिया पड़ता है। राम जी अयोध्या से हैं, तो माता सीता जो हैं वो हमारे इस मिथिलांचल के रीजन की है, और जनकपुर राजा जनक की राजधानी के रूप में माना जाता है। तो इस यात्रा में मैं आपको ये सारी लोकेशंस दिखाने की कोशिश करूँगा, जो ये रूट है हमारा नेपाल का शॉर्टर रूट है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। सो जटही बॉर्डर हमारा लक्ष्य है, जटही बॉर्डर तक हम जाएंगे और उसके बाद हम नेपाल में एंटर कर सकते हैं। अब देख पा रहे हैं कि रोड्स वगैरह बहुत ही सुंदर हैं। ये वीडियो दिसंबर 2023 की है, धान की फसल अभी कटी है, और आप देख पाएंगे कि जी जगह जगह जो पराली है उसके ढेर लोगों ने लगाए हुए हैं। मिथिलांचल का ये रीजन है बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंध इतने मधुर हैं कि आपने सिर्फ एक पर्ची कटानी होती है नेपाल में एंटर करने के लिए, और उस पर्ची के माध्यम से, उसको भल्सार वैसे कहते हैं, तो भल्सार कटा के आप नेपाल में एंटर हो सकते हैं। राजा जनक की राजधानी के रूप में जनकपुर को जाना जाता है। रीजन ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बस एक प्रॉब्लम है इस रीजन में, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं इस रीजन में, जो जो सांस्कृतिक यात्राओं पर लोग आते हैं, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है अयोध्या में, लेकिन ये हमारे रीजन में अभी तक कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं। रामायण बेल्ट बनाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, जिसके पहले चरण में इन्होंने अयोध्या को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। सो कहीं ना कहीं अगर राम जी का ससुराल भी उसी तर्ज पर डेवलप हो तो इस रीजन को बहुत लाभ मिलने वाला है। काफ़ी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, सांस्कृतिक यात्रा के तौर पे, जो धार्मिक यात्रा के तौर पे लोग यहाँ आते हैं, तो कुछ कुछ जगहों पर इनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप देखेंगे कि रामायण से जुड़ी हुई काफ़ी ऐतिहासिक जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं वो इस रीजन में हैं, जैसे कि गौतम ऋषि का आश्रम है, अहिल्या जी का मुक्ति स्थल है। सो इन रीजन्स को अगर कनेक्ट करके एक अच्छी डेवलपमेंट करी जाए, इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हम देख सकते हैं और एक अच्छा टूरिज्म यहाँ पे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो बिहार की गवर्नमेंट है और सेंटर की गवर्नमेंट है, वो इस दिशा में कोई भी काम इस रीजन में नहीं कर रही है। काफ़ी समय से ये डेवलपमेंट ड्यू है हमारे इस रीजन में, अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी ध्यान इस तरफ नहीं दे पा रही है। हमारी बिहार गवर्नमेंट तो जी सेकुलरिज्म के चक्करों में फंसी रहती है, और जो ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारे पास, उसको डेवलप करने के लिए कोई भी कार्य ये नहीं कर पाती है। खासकर बात करें हमारे नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी तो दल बदलते ही रहते हैं, पता नहीं कितनी बार ये सीएम बनेंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना पार्टी फिर से बदल लिया है, एनडीए में शामिल हो गए हैं, और एक बार फिर बिहार की जनता को धोखा दे के एनडीए में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार का एक ही एजेंडा समझ में आता है कि इनको सीएम की कुर्सी पर बैठना है, सपोर्ट भले ये किसी को करे या कोई इनको करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको जनता की डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनको अपनी डेवलपमेंट चाहिए, इनको सीएम की कुर्सी चाहिए, धरातल पे क्या हो रहा है इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कितना पिछड़ा एरिया है ये, अब मकान देखेंगे, मकान मोस्टली मकान फूस के हैं, इससे पता लगता है कि इस जगह पे, धरातल पे कितना काम गवर्नमेंट ने किया है। लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड आप देख पाएंगे कि कितना नीचे है, इनकम के सोर्सेज नहीं है, लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं।
पलायन की बहुत बड़ी समस्या है इस रीजन में। रोज़गार की तलाश में लोग इस रीजन को छोड़ के और डेवलप स्टेट्स में जाते हैं, जिससे कि वो अपनी जीविका जीविका कमा सकें, अच्छे इलाज की सुविधा के लिए, पढ़ाई के लिए। तो इस रीजन से छोड़ के वो दूसरे रीजन में माइग्रेट करते हैं। काफ़ी मकान आपको इस रीजन में लॉक मिलेंगे, कोई भी नहीं है, मोस्टली लोग माइग्रेट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस रीजन की। इवन मेरे गांव में भी काफ़ी सारे मकान बंद पड़े हैं, सालों से बंद पड़े हैं जी, क्योंकि लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं नौकरी की तलाश में, अच्छी शिक्षा की तलाश में, एक अच्छे जीवन की तलाश में लोग यहाँ से निकल चुके हैं। बॉर्डर का ये रीज़न है, इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल का, तो काफ़ी करीब है, मेरे ख्याल से लगभग 30-35 किलोमीटर के दूरी पर ही बॉर्डर है कलवाही से कम इस रीज़न को ये अगर थोड़ा बहुत भी डेवलप करें, जैसे कि पहले अयोध्या में भी कोई खास डेवलपमेंट नहीं थी, जैसे ही राम मंदिर बना इसके बाद से आप अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो गया है। ऐसे ही अगर इस रीजन में थोड़ा बहुत कुछ काम जो हो सकता है अगर गवर्नमेंट करे, बिहार गवर्नमेंट करे, भारत सरकार करे, इस रीजन में काफ़ी लोगों का फायदा होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट का पता नहीं कैसे कब कहाँ की काम कर पाएगी, ये बिल्कुल भी मेरी समझ में तो नहीं आता है, जो कि बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे यूजुअली क्या होता है। छोटे छोटे गोलियों के तौर पर यहाँ पे भांग वगैरह बिकता है, बड़े आसानी से नशे के सामान यूथ को उपलब्ध कराया जाता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। हाँ, आप शराब नहीं पी सकते हैं, शराब यहाँ पे बैन है, लेकिन अनलीगल तरीके से आपको शराब यहाँ मिल जाती है, शराबों की होम डिलीवरी बड़े आराम से मिल जाती है लोगों को। एक रिवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस बिहार सरकार करती है ये शराब को बैन करके। कोई खास फायदा स्टेट को हुआ नहीं है, बल्कि नुकसान हुआ है। पीने वाला आदमी अब भी मजे से पीता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो रिवेन्यूज, जो टैक्स गवर्नमेंट को आना चाहिए था, जो पैसा वापस डेवलपमेंट में गवर्नमेंट लगा सकती थी, वो रिवेन्यू गवर्नमेंट लॉस कर रही है अपना शराब को बैन करके। तो डेवलपमेंट में पैसा तो गवर्नमेंट को चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो पैसा रिवेन्यूज कहाँ से आएंगे ये गवर्नमेंट को ही बताना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। सबसे मेजर रिवेन्यू लिकर से आता है किसी भी स्टेट में, या रियल इस्टेट से आता है। रियल इस्टेट तो हमारी रीजन में है ही नहीं, एक लिकर का था, लिकर भी उन्होंने बंद कर दिया, शराब भी बैन कर दी। अब जो रिवेन्यूज आने चाहिए थे वो रिवेन्यू का लॉस है, और पीने वाला आदमी गंदी शराब पी रहा है, और जिससे कि उसकी मृत्यु बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि सारा ये मिक्सिंग वाली शराब है, लोकल मेड शराब मिलती है, भट्टियाँ गाँवों में है, जो पीने वाला है उसको बहुत नुकसान होता है, और आए दिन लोगों की मौत यहाँ पे होती है। एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई है ये अनलीगल जो एक्टिविटीज़ होती है, स्मगलिंग होती है शराबों की, इसमें जो महकमा है वो बढ़िया पैसा कमा रहा है। रिश्वतें चल रही हैं जी, कोई भी बंदा अगर ड्रिंक करके पकड़ा गया तो गवर्नमेंट के जो ये ऑफिशियल्स हैं, ये पुलिस है, वो मोटा पैसा इन लोगों से कमा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि जी शराब बैन करके फ़ायदा ये किसका करना चाह रहे हैं। जनता को तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, जनता को तो टोटली लॉस है, क्योंकि पीने वाला आदमी अब भी शराब पी रहा है। नशा जो है हमारे इस मिथिलांचल के रीजन में बहुत ज़्यादा हो गया है। छोटे छोटे स्टॉल्स पे आपको भांग वगैरह बड़े इजीली मिल जाता है। यूपी में मैंने देखा है कि जी गवर्नमेंट ऑथराइज आपको भांग के ठेके मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे ये कुछ भी रेगुलराइज नहीं हुआ है। चीज़ें बहुत ख़राब हैं अगर आप ग्राउंड लेवल पे चेक करेंगे यहाँ पे। रोज़गार के बिल्कुल भी साधन नहीं है, छोटे छोटे लोगों ने व्यवसाय करे हुए हैं, बहुत मुश्किल से लोगों का यापन हो पा रहा है। बिहार सरकार के अंडर जितने भी स्कूल आते हैं बिहार में, खासकर मेरे इस रीजन में, तो बहुत बुरा हाल है। मधुबनी जिला, इवन मिथिलांचल के पूरे रीजन में स्कूल्स के बहुत बहुत दयनीय स्थिति में स्कूल है। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कूल के क्या हालात है हमारे इस बिहार में। कहीं ना कहीं आज के दिन पे जनता को सोचना पड़ेगा, जो इस रीजन के लोग हैं, बिहार रीजन के लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो वोट किसे दे रहे हैं। क्योंकि वोट देने का सिर्फ एक रीजन नहीं है कि जी हमें सीएम बनाना है, वोट इसलिए दें कि डेवलपमेंट करनी है, बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट करें। आने वाले इलेक्शंस में थोड़ा ध्यान से सोचें कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए अच्छा है। जो हमारा सीएम है नीतीश कुमार, उनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ डेवलपमेंट के प्लान्स नहीं है, शॉर्ट ऑफ विजन ये आदमी दिखता है जी। सिर्फ वोट के लिए ये राजनीति करते रहते हैं, जातिवाद में लोगों को बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम दलित्स इस वोट बैंक में ये फंस गए हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक भी इनको सपोर्ट करती है, जिस वजह से ये हर बार सीएम बन जाते हैं, जो कि सही नहीं है। सिर्फ कुर्सी के लिए ये पॉलिटिक्स करते हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अब देखिए कितने लार्ज स्केल पे बिहार स्टेट जो है वो लेबर सप्लाई करती है और स्टेट्स में, पंजाब में बहुत लेबर जाती है हमारे यहाँ से, हरियाणा बहुत लेबर जाती है, गुजरात बहुत लेबर जाती है, साउथ में बहुत सारी लेबर्स हमारे यहाँ से जाती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अगर इसी रीजन में रोज़गार मिल जाए
तो इससे अच्छी बात क्या रहेगी। एक यूथ को क्या चाहिए, एक रोजगार चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा अच्छा मेडिकल की फैसिलिटीज चाहिए। इतना अगर ये यहाँ पे मिल जाए तो इस एरिया में जो पलायन की समस्या है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लेके आना पड़ेगा करने के लिए, जो कि विजनरी आदमी है ही नहीं हमारे पास आज के दिन पे। कोई ऐसा लीडर बिहार में नहीं कुर्सी पे बैठा है कि जिसके पास कोई विज़न हो। लालू जी ने 10-15 साल दबा के लूटा है इस क्षेत्र को। नीतीश कुमार का भी कुछ ऐसा ही है, वो भी कुछ खास उनके पास वो नहीं कर पाए हैं। करप्शन के चार्जेस तो उनके ऊपर नहीं हैं, लेकिन डेवलपमेंट भी उन्होंने नहीं करी है। सिर्फ उन्होंने 9वीं या 10वीं बार CM बने हैं 15 साल के अपने इस टेन्योर में। अब समझ नहीं आ रहा है कि फिर से वो कौन सी शपथ ऐसी लेंगे जो कि 8-9 बार वो भूल गए थे कसम लेना। इसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि इस रीजन की डेवलपमेंट में वो क्या कर सकते हैं। बॉर्डर के बहुत ही करीब हम आ गए हैं। सीमा सुरक्षा बल का ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं और यहाँ से हमने राइट लेना है। ये काफ़ी शॉर्टकट रास्ता है नेपाल बॉर्डर जट्टी तक जाने का। आप इसे खुफिया रास्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता अगर आप मिस कर गए, क्योंकि बहुत ही नैरो, बहुत ही पतली सड़क है, बसेस जाती हैं जट्टी बॉर्डर तक। और ये देखिए बॉर्डर के एरिया के हालात कितने अच्छे या कितने ख़राब हैं, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। ये बिल्कुल ही बॉर्डर के करीब का एरिया है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आप देखिए यहाँ पर कैसा है। रोड्स वगैरह काफ़ी ख़राब हैं, हालात कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैं कई बार इस वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ कि जी डेवलपमेंट नहीं है इस एरिया में। सीता जी का घर है ये मिथिलांचल और इसके ये दयनीय हालात हैं। तो अयोध्या की तर्ज पे इसे भी अगर डेवलप करें तो एक सांस्कृतिक यात्रा, धार्मिक यात्रा पे लोग यहाँ भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं उनको, और इस रीजन में जो लोगों का फ़ायदा हो सकता है वो हम दे सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर बन गया अयोध्या में, अच्छा कॉरिडोर बना दिया है इन्होंने। मथुरा की बात कर रहे हैं कॉरिडोर बनाने की, लेकिन इस सीता जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मिथिलांचल, राम जी के ससुराल को भी इनको कोई मिथिलांचल कॉरिडोर बनाना चाहिए, जिससे कि ये नियर बाई के एरियाज़ में जो भी लाभार्थी हैं, जो भी इसका लाभ ले सकते हैं, उनको ये लाभ मिलना चाहिए। और इससे गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है जी, गवर्नमेंट को वोट मिलते हैं आज के दिन पे। योगी बाबा जो है यूपी के CM, इन्होंने जो काम किया है धरातल पर इनका काम दिखता है और इन्हीं का वोट बैंक बढ़ रहा है। तो लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी हर साल 2 साल में ये अपनी पार्टी बदल लेते हैं, रिज़ाइन करके फिर से शपथ ले लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ये काम नहीं करते हैं। नेपाल की जो गाड़ियाँ अब आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी, नेपाल की गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल फ्री एंट्री है, कोई पैसा हमसे नहीं लिया जाता, कोई टैक्स नहीं लिया जाता, कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नेपाल से इंडिया आते हैं, नेपाल के सिटीजन बड़े आसानी से यहाँ पे आ जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है ये, और ख़ासकर राम जी का ससुराल है। सो चीज़ें काफ़ी सारी हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बट प्रॉब्लम वही है कि जी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बनता है यहाँ पे कुछ करने का। अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच रही है तो आप इस रीजन में थोड़ा फोकस करें, काम करें, और जो सम्मान है इस रीजन को वो वापस मिल पाए। अब हम बिल्कुल ही जट्टी बॉर्डर पे खड़े हैं। BSF के द्वारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ की जाती है, मोटरसाइकिल से हमने जाना है उस पार बॉर्डर के। सो लाइसेंस, RC ये लोग लेते हैं और अपनी एंट्री करते हैं, और हमें बताना पड़ता है कि जी हम कितनी देर के लिए नेपाल रहने वाले हैं। सो BSF से क्लियरेंस हमें मिल गई है और अब अगला स्टेप है नेपाल अथॉरिटीज़ से हमें भल्सार कटाने का। सो ये हमारा भल्सार है, नेपाल अथॉरिटी से भी हमें क्लियरेंस मिल गई है नेपाल में एंटर करने की। शॉर्ट ऑफ ये एक तरह का वीज़ा है नेपाल का। हमने बताया है कि हम 3-4 घंटे के लिए जनकपुर धाम जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही नॉमिनल रकम, एक 20 रुपये की पर्ची काटी है, और ये हमारा वीज़ा टू नेपाल है। ये है भारत नेपाल की सीमा और इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जनकपुर धाम। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय सियाराम।